दोस्तों, अगर अब तक आपने जियो का सिम नहीं लिया है और ये सोच रहे हैं कि अब क्या फायदा है जियो का सिम लेने से, 31 दिसंबर तो आने ही वाला है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी जाके आप जियो सिम लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी हेल्पर। मैं आज आपको बताऊंगा क्यों आपको जियो सिम अभी जाके ले लेना चाहिए, बजाय ये सोचे कि आपको बहुत टाइम लगेगा मोबाइल सिम लेने में, लाइन में लगना पड़ेगा, कूपन लेना पड़ेगा, 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये सारी बातें भूल जाइए, क्योंकि रिलायंस जियो एक्सटेंड हो रहा है मार्च 2017 तक। जी हाँ, आपने सुना होगा कि जियो अब एक्सटेंड हो रहा है मार्च 2017 तक। अभी तक तो ये रूमर था, पर अब ये वाकई में असली बात हो गई है कि जियो अपना ऑफर बढ़ा रहा है, 2017 मार्च तक कर रहा है। क्यों? इसके बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं, पर जितना कि हम सबको पता है वो ये सब है। पहला ये है कि इंटरकनेक्शन वाली जो समस्या चल रही थी, अगर आपने जियो अभी तक यूज़ किया था तो आप जान रहे होंगे कि बाकी सब जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, तो ये सब उसको इंटरकनेक्शन मतलब कि उनसे कॉलिंग करने की कैपेबिलिटी, तो उससे कॉल कनेक्ट नहीं करने देता था। जैसे मेरे पास जियो है, एक्स के पास एयरटेल है, तो एयरटेल क्या करता था कि अपना जो कॉल है वो मुझसे कनेक्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कीमत घटा दी थी ना अपनी, मैं तो फ्री बांट रहा हूँ तो सब मेरा इस्तेमाल करेंगे तो उनका कौन करेगा, तो ईर्ष्या प्रति उसने इंटरकनेक्शन बंद कर दिया। तो ये वाली जो समस्या आ रही थी उससे उभरने के लिए रिलायंस ने देखा कि हमारे लोग तो जब यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं अपना मेरा प्रोडक्ट, क्वालिटी मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या फ़ायदा है देने का, इसलिए वो अपना ऑफर बढ़ा रहे हैं मार्च 2017 तक। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है गोल कंप्लीट करना। जी हाँ, जियो ने गोल बनाया था पूरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स पाने का। अभी उसके पास 8.5 मिलियन मतलब कि 85 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपको कोरा.com भी दिखाता हूँ। जी हाँ, तो आपने देखा कि जियो के पास इस समय 85 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वो अपना गोल जो है कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहता है, पर उन्हें लगा कि दिसंबर के अंत तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपना ऑफर बढ़ाना चाहते हैं मार्च तक करें, ताकि उनके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। अब तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि सेल्स बढ़ाना। जी हाँ, लाइफ के मोबाइल की सेल्स जियो की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए वो मार्च तक और बढ़ाना चाहता है अपना ऑफर, ताकि लाइफ के उसके जो मोबाइल हैं जो कि अभी नए निकले हैं ये बहुत ज़्यादा बिकें और ज़्यादा बिकें और ज़्यादा बिकें और बिकते ही रहें। जियो ने करीब अपना एक साल करीब 10-11 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं इंटरनेट प्रोवाइड करते करते। अगर आपने लाइफ का मोबाइल लिया है बहुत पहले, तो एक साल तो होने ही वाला है उनके लिए जो लाइफ का मोबाइल लिए हैं, और बाकी जो जियो का सिम, अब बाकी सब बातें छोड़ी और अभी जाके आप जियो सिम लीजिए। अगर अब तक आपने नहीं लिया है, आप ये ना सोचिए कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको कूपन मिल जाए। अभी क्या चल रहा है, आप जाइए कूपन लीजिए, 1 महीने बाद जाइए, 15 दिन बाद जाइए, 20 दिन बाद जब आपको बुलाया जाए, और लेके सिम चले जाइए, अभी जाइए। धन्यवाद। अगर आपके पास 4G फोन नहीं है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा जो कि बेस्ट 4G फोन है, और उसका रिव्यू पाने के लिए आप यहाँ आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आप अप टू डेट रहें ऐसे ही टेक अलर्ट्स और रिव्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।